Hello students, welcome back. In this video we are going to figure out that how to enter the data into your cells and how we can navigate around our cells. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं, कैसे हम सेल्स के अराउंड नेविगेट करा सकते हैं. ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने हेलो और टेक ज्ञान 45 और कंप्यूटर कैसे ये एंटर किया था. जस्ट एंटर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये लेफ्ट क्लिक करिएगा माउस का किसी भी सेल पर और वहाँ पे जो भी टाइप करना चाहेंगे हम टाइप करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हेलो, या तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ, डाउन एरो की प्रेस करूँ, अप एरो की, राइट एरो की प्रेस कर सकता हूँ, एंटर प्रेस कर सकता हूँ कीबोर्ड से. यहाँ पे एक टिक का मार्क है जो कि सेम एज एंटर की. या तो मैं यहाँ से ये प्रेस कर दूंगा तब भी हेलो प्रेस हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, डाउन एरो की प्रेस करूंगा तब भी हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय और एंटर प्रेस करूंगा तब भी मेरा हाय एंटर हो जाएगा. सो डेटा एंटर करेंगे हम अपने सेल्स में ऐसे. नाउ अगर हमें नेविगेट कराना हो तो कैसे कराएंगे, या तो हम माउस के लेफ्ट कर्सर से जहाँ पे भी हमें नेविगेट कराना है हम उस सेल पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन वी विल गो टू दैट सेल. या फिर हमारे पास चार एरो कीज है कीबोर्ड में, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. सो इनकी हेल्प से हम अपने सेल्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हम कुछ डेटा लेते हैं जो थोड़ा सा सेंस निकाले डेटा. फॉर एग्जांपल नेम इंग्लिश. आई एम गोइंग टू टेक थ्री स्टूडेंट्स और थ्री नेम ए बी सी एंड आई एम गोइंग टू एंटर द नेम्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ दोज थ्री स्टूडेंट्स. तीन स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स एंटर करने वाला हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल 178 और बी को कर दिया फेल और दिस वन इज फॉर 56 मार्क्स. ओके, सो हम ऐसे न्यूमेरिक डेटा यहाँ पर एंटर करा सकते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई नंबर एंटर कराया 200. मैं चाहता हूँ ये 200 नीचे 10 रोज तक पेस्ट हो जाए डेटा. सो या तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और नीचे करेंगे कंट्रोल वी, फिर नीचे करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी. एक तरीका तो हमारे पास ये है. या फिर हम अगर कराना चाहते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. सो देखो ये माउस कर्सर है, एक बिग प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है हमारे पास, जैसे फर्स्ट एड का साइन बना हुआ आता है कुछ वैसे. जैसे ही हम इस सेल के लेफ्ट कॉर्नर पर लेके जाएंगे, ये देखो ये जो ए अंदर से एम्प्टी था वो अब फिल हो चुका है और प्लस का साइन बन गया. एक्चुअली में जो एम्बुलेंस वाला साइन होता है फर्स्ट एड वाला, वो अब एक प्लस का साइन बन जाएगा जैसे हम इसके ऊपर लेके आएंगे. सो माउस का लेफ्ट क्लिक हम प्रेस करेंगे और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे. सो जहाँ तक भी हमें ये डेटा चाहिए वहाँ तक हम इस डेटा को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे. सो वहां तक डेटा हमारा पेस्ट हो जाएगा. ये सब डेटा को कॉपी एंड पेस्ट का ही करने का काम नहीं करता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा प्रेस करता हूँ यहाँ पे 2, 4 एंड 6. अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ. सिलेक्ट करने के लिए जरूरी है जो हमारे माउस का कर्सर है वो बड़ा प्लस का साइन बना हुआ है. सो अभी बड़ा प्लस का साइन है, मैं माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और तीनों जो सेल्स है तीनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया. बड़ा प्लस का साइन बना हुआ आएगा तभी सिलेक्ट होगा. ओके, नाउ यहाँ पे देखो अब प्लस का छोटा वाला सिंबल बना हुआ आ गया. अब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. सो देखो 8, 10, 12, 14, 16 जहाँ तक भी आपको नंबर चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे 30 तक नंबर चाहिए. सो देखो ये 2 की टेबल क्रिएट होगी अप टू 30 तक. सो ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ ऐसे भी काम करेगा. सो जो सीक्वेंस ऑफ होगी उस सीक्वेंस को पैटर्न को एनालाइज करके आप जहां तक बोलोगे उसको वहां तक को डेटा को फिल करेगा. ओके स्टूडेंट्स, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.